सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगर मोमिनों में से कोई दो फरीक आपस में लड़ पड़ें तो उनमें सुलह करा दो, फिर अगर एक फरीक दूसरे पर ज्यादती करे तो ज्यादती करने वाले से लड़ो यहां तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ रुजू लाए, बस जब वो रुजू लाए तो दोनों फरीक में अदल के साथ सुलह करा दो और इंसाफ से काम लो कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, तो अपने दो भाइयों में सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। सालिम ने खबर दी और उन्हें अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, बस उस पर जुल्म न करे और न जुल्म होने दे। जो शख्स अपने भाई की ज़रूरत पूरी करे अल्लाह ताला उसकी ज़रूरत पूरी करेगा। जो शख्स किसी मुसलमान की एक मुसीबत को दूर करे अल्लाह ताला उसकी क़यामत की मुसीबतों में से एक बड़ी मुसीबत को दूर फरमाएगा। और जो शख्स किसी मुसलमान के ऐब को छुपाए अल्लाह ताला क़यामत में उसके ऐब छुपाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 2442। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।